इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करें अपन क्या होता है पार्टनरशिप देखो सेक्शन फोर में डिफाइन किया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू शेयर द हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट याद रखना प्रॉफिट करेंगे वो लोग शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम और एनी वन of them acting for all हमेशा याद रखना इसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन रहेंगे देखो एक पर्सन रहेगा तो पार्टनरशिप का तो कोई सेंस नहीं हुआ पार्टनर्स मतलब दो लोग जब मिलके काम कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा ऐसा बिजनेस करने के लिए एग्रीड है जहां पे वो लोग अपने प्रॉफिट को भी शेयर कर रहे हैं तो वो कहलाती है पार्टनरशिप इसकी डेफिनेशन किस में दी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन फोर में इसको डिफाइन किया गया है अब देखो इसके फीचर्स देखो इसके फीचर्स देखेंगे तो इसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी फीचर्स को एलिमेंट्स भी बोलते हैं याद रखना एजेंशियल्स भी बोलते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पहला असोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलके करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप अगर एक पार्टनर रह जाता है फॉर द सपोज अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन पे जो पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है ऐसी सिचुएशन पे जो पार्टनरशिप एक्ट होती है वो हो जाती है साइलेंट हो जाती है तो इसलिए याद रखना दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे और इसमें ना ट्वेंटी से ज्यादा पर्सन नहीं है, रहेंगे याद रखना नंबर ऑफ पर्सन जो उसमें रहेंगे ड नॉट एक्सीड 20. ठीक अब नेक्स्ट इसमें ना अगर मान लो बैंकिंग का बिजनेस है जैसे आजकल बैंक्स होती है ना उनके जो फॉर्म्स हैं तो जो बैंकिंग बिजनेस है अगर बैंकिंग बिजनेस के लिए फॉर्म बन रही है तब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में दस से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते क्लियर है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन में आगे देखो इसका सेकेंड पॉइंट देखो ये होता है एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन है किसी को डाउट है यहां तक नो मैम क्लियर है एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन ऑब्वियस है लोग आ रहे हैं पार्टनरशिप क्या फर्म को बिजनेस को करने के लिए तो लोगों के एग्रीमेंट है उनके बीच का एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन इसमें देखो जो इनका रिलेशनशिप है याद रखना पार्टनरशिप का मेन जो अराइज हो रहा है वो किसमें से अराइज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट से जो इनका रिलेशन है वो कहाँ से अराइज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस याद रखना रिलेशन जो इनका अराइज हो रहा है जो इन ये पर्सन के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो किसके थ्रू क्रिएट uh, हो रहा है जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं उसमें जो पूरा बिजनेस एक फैमिली का होता है तो उसमें वो लोग कभी भी पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे वो लोग क्या कहलाते हैं हमेशा को ओनर्स वो सब उसके क्या कहलाते हैं को ओनर्स तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको हम पार्टनरशिप में नहीं लेके आते हैं उसको हम क्या मानते हैं वो लोग को ओनर्स होते हैं वो लोग आगे देखो पार्टनरशिप कभी भी अगर बन रही है तो वो किस चीज के लिए बनेगी बिजनेस बिजनेस के लिए बनेगी मेन पर्पस है कि उसका कुछ ना कुछ बिजनेस होना चाहिए उसमें देयर शुड बी सम बिजनेस और दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं चलेगी देर शुड बी समॉर प्रॉफिट याद रखना मैंशन करना आप लोग ये चीज हमेशा इसमें फॉर प्रॉफिट नेक्स्ट देखो इसमें फोर्थ पॉइंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये मैं बार बार बोल रही हूँ बिजनेस है और प्रॉफिट को शेयर करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो वहीं पे पार्टनरशिप क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है देर कैन बी नो पार्टनरशिप इफ देर कैन बी नो पार्टनरशिप इफ देर इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट याद रखना किसी को डाउट है यहां तक अब इसमें देखो अब इसमें एक पॉइंट देखो जो प्रॉफिट होगा ना वो क्या हो जाएगा इसमें म्यूचुअली अग्रीड करेंगे लोग प्रॉफिट के लिए ठीक म्यूचुअली अग्रीड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रही हूँ या फिर कोई रेशियो ये लोग डिसाइड करेंगे अगर इन लोगों के पास कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता है कैसे करना है तो ये लोग अगर कभी कभी क्या होती है पार्टनरशिप तो ये लोग करते हैं डीड नहीं बनाते हैं डीड मतलब एक पेपर वर्क होता है अगर लोगों ने पार्टनरशिप डीड रेडी नहीं की है ठीक तो ऐसे शेयर करते हैं प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा क्लियर है यहां तक नेक्स्ट पॉइंट देखो डाउट है क्या पूछो जल्दी चारों पॉइंट में कहीं पे भी किसी को भी आगे देखो इसमें इसके डेफिनेशन में देखो एक पॉइंट लिखा है देखो हम जो भी इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं याद रखना हम जो भी फीचर्स पढ़ रहे हैं रेड स्पॉट फॉलो करो वो कहीं कही कहीं ना देखो डेफिनेशन में लिखा है जैसे इसमें लिखा है रिलेशन बिटवीन पर्सन मतलब एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन फिर नेक्स्ट क्या लिखा है एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन फिर देखो क्या लिखा है बिजनेस है तो यहाँ पे बिजनेस वर्ड यूज हुआ है फिर फिफ्थ पॉइंट लिखा है मैंने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो शेयर द प्रॉफिट अब नेक्स्ट देखो क्या लिखे बाय ऑल और एनी ऑफ देम बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल तो फिफ्थ पॉइंट में लिखो देखेंगे बिजनेस और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल देखो जो इसका मतलब क्या है ये ना इसको जो लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम ये ना एक कार्डिनल प्रिंसिपल है या कार्डिनल रूल बोल सकते अपन इसको ये कार्डिनल प्रिंसिपल क्या बोलता है एक तो नहीं पार्टनरशिप क्या है एक तरीके की म्यूचुअल एजेंसी है काइंड kind ऑफ of क्या है म्यूचुअल एजेंसी है किसके बीच में पार्टनर्स के बीच में अमंग पार्टनर्स जिसका मतलब होता है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है इसका यही इसलिए लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम चाहे सब काम करें या कोई एक काम करे वो रिप्रेजेंट सबको कर रहे हैं वो उस पूरी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आ रहा है समझ में इसका मतलब कोई डाउट है इसमें नो no, मैम तो इसके लिए लाइन लिख सकते हो इट मीन्स बहुत अच्छे से समझना ना इसको इट मीन्स ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर ये लोग एक दूसरे को क्या करते हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां तक किसी को कोई डाउट है अब आगे ना अपन देखते हैं पार्टनरशिप डीड ठीक मतलब फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप कैसे बनेगी फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप बनाने के लिए एक पार्टनरशिप डीड की नीड है इन शॉर्ट ना इसको पेपर वर्क भी बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड को नेक्स्ट देखो विसमें. ये एक डॉक्यूमेंट होता है इन राइटिंग याद रखना अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग जिसमें डिफरेंट टर्म्स ऑफ पार्टनर्स लिखे रहते हैं और जो वो लोग अग्रीड करते हैं बिजनेस में आने के लिए दूसरा डे टू डे उनके राइट्स होंगे उनके ऑब्लिगेशन मींस क्या उनकी लाइबिलिटीज होंगी क्या उनको काम करना है दूसरा इस डेट को ना दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं अपन पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये एक इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है दूसरा जब इसको बनाते हैं तो विथ अटमोस्ट केयर बिल्कुल ध्यान से बनाना है इसको इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं और इस के according ही पूरा जो partner है जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो चलता है क्लियर है मीनिंग yes मैम अब देखो कंटेंट्स क्या होंगे इसके पहला इसका कंटेंट है इसमें नेम ऑफ द फर्म लिखी जाएगी ऑब्वियसली हमको एक फर्म को नाम तो देना ही पड़ेगा नेम ऑफ द फर्म नेक्स्ट इसमें होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस रहता है इसमें नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस कंटेंट्स मतलब उसके अंदर क्या क्या रहेगा ये पूछता ही है हमेशा तो इसको अच्छे से याद करना है इसको एक्सप्लेन नहीं करना है अपने को एग्जाम में हमको सिर्फ इसको लिखना है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगी ड्यूरेशन समझते हैं आप लोग बताओ ड्यूरेशन का मतलब समझते हो बताओ ड्यूरेशन का मतलब मैम कब तक चलेगी ना पार्टनरशिप हाँ और कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी पार्टनरशिप में कैपिटल कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट कर रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला अगर आप लोग ने प्रैक्टिकल किया होता है इसका तो आपको समझ में आता कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दो चीज मैटर करती है किसी भी पार्टनरशिप में 7, 7th कितना है और कितना है। दूसरा, आपने उस कंटेंट में सपोज अगर मैंने आपको फिफ्टीन ऐसे आठ लिखे है मैंने अभी अगर ऐसे आपको पंद्रह बताती हूँ और उसमें आप दो स्किप करते हैं तो चलेगा लेकिन उस दो में सिक्स और सेवंथ स्किप मत करना ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट कभी नहीं स्किप करना अगर इस दोनों को स्किप किया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स बिजनेस अफेयर मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स बिजनेस अफेयर्स नेक्स्ट देखो इन्वेस्ट जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होता है बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स क्या होता है बताओ लोन लोन टेकन फ्रॉम फॉर्म देखो इसमें नेक्स्ट देखो लोन गिवन टू फॉर्म्स तो इन सबका जो इंटरेस्ट रेडी होगा वो भी पार्टनरशिप के उसमें बहुत मैटर करता है सपोज आप लोगों ने जो कैपिटल लगाई है बिजनेस में तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो फॉर्म के लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा लेकिन पार्टनर के लिए इनकम हो जाता है तो वो कैसे चार्ज करना है ड्रॉइंग्स मतलब अगर आप फर्म से कुछ पैसे निकाल रहे हैं या अगर आपने फर्म से कुछ लोन लिया है या लोन दिया है फॉर्म को तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होगा इसमें पार्टनरशिप में नेक्स्ट देखो रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन रिटायरमेंट एक्सपल्शन डेथ एक्सेट्रा ऑफ अ पार्टनर तो ये सब मैटर करता है नेक्स्ट देखो ट्वेल्थ पॉइंट में सैलरीज हाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी सैलरीज वगैरह मेंशन होनी चाहिए कमीशन जो भी एक्सेट्रा मतलब एक पेबल टू पार्टनर्स पेबल टू पार्टनर्स नेक्स्ट देखो थर्टींथ पॉइंट इसमें सेफ कस्टडी ऑफ जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी सेफ कस्टडी मतलब कैसे करना है बहुत बोलने में बहुत छोटी छोटी चीजें जब ये सब चीजें वर्क करती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो सेफ कस्टडी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट फोर्टींथ देखो आर्बिट्रेशन क्लॉज आर्बिट्रेशन वर्ड सुना है बेटा कभी आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन क्लॉज देखो अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो उसको कैसे सॉर्ट करना है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें दी रहेंगी कि जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे निकलना है उससे आर्बिट्रेशन क्लॉज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स दूसरा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अगर फर्म बंद हो जाती है डिजोल्व होती है तो उस समय अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा कौन कितना अमाउंट पे करेगा कौन कितना लोन लिया है किसको और पैसे देने ही पड़ेंगे फर्म क्लोज करने के टाइम पे तो ये सब होते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड मोस्ट प्रोबेबली ये फिफ्टीन पॉइंट्स रहते हैं बाकी इसके अलावा और कुछ होगा तो वो बात की बात हो जाती है तो किसी को डाउट है तो पूछो यहां तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में फर्स्ट देखो एक्टिव पार्टनर होते हैं एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर जो एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट है इन्वॉल्व है बिजनेस में कैसे चल रहा है बिजनेस क्या हो रहा है उसको सब कुछ पता है दूसरा होता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट बोलते हैं जिसको स्लीपिंग और और सीक्रेट पार्टनर ये कैसा पार्टनर था ये कभी भी बिजनेस में एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं पैसे इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट भी शेयर करते हैं लोग बट but... कभी भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं ऑलरेडी तो ये होते हैं स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर नॉमिनल पार्टनर होता है वर्ड सुना है नॉमिनल क्या होता है देखो ये वो पार्टनर होता है जो ना ही पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ना ही प्रॉफिट ले रहा है बस अपना नाम दे रहा है बिजनेस में सिर्फ अपना नाम दे रहे हैं ना इसका कुछ पैसा लगा है ना इसको कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है ना ही इसका मैनेजमेंट से कोई लेना देना है किसी बिजनेस से बट ये सिर्फ अपना नाम देता है मतलब ये अपनी गुडविल दे रहा है उस फर्म को तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर एक होते हैं पार्टनर इज फॉर प्रॉफिट ओनली ऐसे पार्टनर्स तभी आते हैं बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए तो आ, अगर प्रॉफिट होता है फॉर्म में तो ही हम आएंगे अगर आपको कुछ लॉस होता है तो हम उस लॉस को शेयर नहीं करेंगे हाँ प्रॉफिट रहेगा तो हम रहेंगे तो ऐसे बोलते हैं पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट ओनली नेक्स्ट है इसमें सब पार्टनर्स होते हैं पार्टनर्स के भी ना कुछ पार्टनर्स होते हैं तो वो लोग आपस में डील करते हैं वो लोग जो सब पार्टनर्स होते हैं तो जब पार्टनर एग्री करता है अपना प्रॉफिट को थर्ड पर्सन के साथ शेयर करना तो वो पार्टनर्स कहलाते हैं सब पार्टनर्स नेक्स्ट है देखो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होल्डिंग आउट को एक वर्ड बोलते हैं ये मैं बताई भी हूं शायद आप लोगों को क्लास में और बाय स्टॉपल बताया ना मैंने ये वर्ड एक बार क्या होता है स्टॉपल बताओ यहाँ पे क्या होता है सब पार्टनर्स एक ये वाला रहेगा सिक्स पॉइंट देखो पार्टनर्स बाय होल्डिंग रहे करते हैं तो ऐसे पार्टनर्स होते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर्स बाय स्टॉपल हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट हिमसेल्फ मतलब उसके बिहाफ पे अगर हम रिप्रेजेंट करें अगर हम कहीं डीलिंग करने गए हैं हमारे पार्टनर जो भी कंपनी के हैं वो लोग नहीं गए हैं और अपने बिहाफ पे उन्होंने किसी को भेजा है तो उस समय के लिए वो उसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिचुएशन में पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट बोल सकते हैं या पार्टनर्स बाय स्टॉपल और एक होता है वर्किंग पार्टनर वर्किंग पार्टनर क्या होता है ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर हो बट क्या होता है ये कभी-कभी एम्प्लॉय -कभी होते हैं उस फर्म में, और इनको कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है एम्प्लॉयज होते हैं फॉर्म में पार्टनर नहीं होते हैं बट इनको कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है तो इसलिए इनको बोला जाता है वर्किंग पार्टनर क्लियर है यहां तक तो?